स्पेस, जिसकी गहराइयों में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं, वैसे ही एक है डार्क मैटर, जिसको खोजा नहीं गया था लेकिन हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 3 स्टार्स को देखा जो कि नॉर्मल मैटर से नहीं बने हुए हैं, जैसे कि हमारा स्टार से बना हुआ है, और ये स्टार अर्थ से नहीं बल्कि सन से बिलियन से टाइम से ज़्यादा मैसिव है। ये 3 ऑब्जेक्ट इनको दिसंबर 2022 में JWST एडवांस डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे द्वारा देखा गया। इनके समक को देखकर पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये आकाशगंगाएं हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये आकाशगंगाएं नहीं बल्कि स्टार्स हैं। 3 खगोल भौतिकविदों की एक टीम ने, जिसमें कैथरीन फ्रीज, कोस्मिन इल और जिलियन पोलिन 23 के संयोग से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ली गई छवियों का विश्लेषण किया और 3 चमकदार वस्तुएं देखी, जिनके बारे में कहा गया है कि यह डार्क स्टार्स हैं। ये वाले ऑब्जेक्ट हमारे सूर्य की तुलना में बहुत बड़े और चमकीले हैं। इन डार्क मैटर स्टार्स के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तारे हमारे सूर्य या ब्रह्मांड के नॉर्मल तारों की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन तारों के समक हमारे सूर्य से कई अरब गुना ज़्यादा है। इन पिक्चर्स में दिख रहा हर एक तारा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सभी तारों जितनी एनर्जी, या साइंटिफिक शब्दों में कहूँ तो प्रोटॉन से निकाल रहे हैं। पर सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर कैसे? तो देखो, वैज्ञानिकों के अनुसार ना, इन तारों के कोर में डार्क मैटर काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी में है। ये डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि इनका मास हमारे सूर्य से मिलियंस ऑफ टाइम से ज़्यादा है, लेकिन साइज में केवल ये 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर ही है। यानी कि अगर इन्हें हमारे सोलर सिस्टम में रख दिया जाए तो ये सैटर्न तक के ऑर्बिट तक फैल जाएंगे, लेकिन फिर भी इनके कोर में इतना ज़्यादा डार्क मैटर है जितना एक पूरी गैलेक्सी में फैला होता है, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स देता है, जिसके कारण यह अपने आसपास मौजूद डार्क मैटर को भी इकट्ठा करते रहते हैं और अपने अराउंड एक बलून टाइप डस्ट क्लाउड फॉर्म कर लिए हैं। अब इनके द्वारा इतने ज़्यादा डार्क मैटर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेने के कारण वैज्ञानिकों ने इन्हें सुपर मैसिव डार्क स्टार यानी कि SMDS नाम भी दिया है। पर यह डार्क मैटर केवल इन्हें मास ही प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि इससे मिलती है इन्हें एनर्जी, क्योंकि डार्क मैटर की इतनी ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण इनके केंद्र में एक खास तरह की रिएक्शन होती है जिसे डार्क मैटर एनालॉग कहते हैं, जो रिएक्शन डार्क मैटर के ही पॉजिटिव एंड एंटी पेयर पार्टिकल एक दूसरे से फ्यूज होकर एनर्जी क्रिएट करती है। अब देखो, ये वाला रिएक्शन ना ठीक मैटर और एंटी मैटर के नाहल की तरह ही है, और डार्क मैटर ही इन स्टार्स को नाहल से इतनी ज़्यादा एनर्जी दे रहा है कि एक स्टार पूरी गैलेक्सी जितनी ब्राइटनेस के साथ चमक रही है। पर सिर्फ ब्राइटनेस ही नहीं, बल्कि डार्क मैटर से बने होने की वजह से इन स्टार्स को काफ़ी ज़्यादा मास भी प्रोवाइड करती है। अब इन डार्क मैटर की खोज कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टेक्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर कैथरीन फ्रिज, जो इन डार्क स्टार पर स्टडी कर रही है, उनके अनुसार ब्रह्मांड में एक नए टाइप के तारे की खोज करना अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर यह खोज निकालना कि उस तारे को डार्क मैटर से एनर्जी मिल रही है, यह इस डिस्कवरी को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर डार्क स्टार की एक और बात है जो इन्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाती है, और वह यह है कि हमें इनसे एक काफ़ी बड़ी मिस्ट्री का जवाब मिल जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स का 95% भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का बना हुआ है, यानी जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था तो नॉर्मल मैटर के मुकाबले डार्क मैटर इससे कई गुना ज़्यादा मात्रा में बना होगा, और इसलिए यूनिवर्स के क्रिएशन के बाद जो पहले स्टार्स क्रिएट हुए थे वो एक्चुअल में नॉर्मल मैटर से नहीं बने थे, बल्कि वो डार्क मैटर से बने थे, जिसके ऊपर बाद में नॉर्मल मैटर इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसके प्रेशर के चलते बाद में डार्क मैटर पार्टिकल और क्लोज आए और उनके पेयसे में नाहल से एनर्जी क्रिएट हुई थी। लैम्ब्डा CDM मॉडल जो ब्रह्मांड के बारे में बताता है, उनके अनुसार ब्रह्मांड की द्रव्यमान ऊर्जा मटेरियल 5% सामान्य पदार्थ, 26.8% डार्क मैटर और 68.2% ऊर्जा का एक रूप है, जिसे डार्क एनर्जी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार डार्क एनर्जी और डार्क मेटल कुल द्रव्यमान ऊर्जा मटेरियल का 95% है। 1933 में खगोल शास्त्री फ्रिट्ज़ विकी, जिन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करते हुए आकाशगंगाओं समूह का अध्ययन कर रहे थे, उस समय एक समान अनुमान लगाया। जीविकी ने कोमा क्लस्टर पर वायरल प्रमेय लागू किया और अदृश्य द्रव्यमान जैसा कुछ महसूस किया था, जिसे उन्होंने डंकल मटेरी कहा था। जीविकी ने इनके किनारे के निकट आकाशगंगाओं की गति के आधार पर इनके द्रव्यमान का अनुमान लगाया और इसकी तुलना इसकी समक और आकाशगंगाओं की संख्या के आधार पर किए गए अनुमान से की। उन्होंने अनुमान लगाया कि क्लस्टर में देखने योग्य मास की तुलना में लगभग 400 गुना अधिक मास था। इतनी तेज ऑर्बिट के लिए द्रव्यमान पदार्थ के आकाशगंगाओं का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत कम था, इसलिए लगा कि कुछ द्रव्यमान हमारी आंखों से छिपा होना चाहिए। इस कैलकुलेशन के आधार पर जीविकी ने अनुमान लगाया कि किसी अदृश्य पदार्थ ने क्लस्टर को एक साथ रखने के लिए द्रव्यमान और संबंधित गुरुत्वाकर्षण का बल क्लस्टर को दे रखा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी वस्तु को हम अंतरिक्ष में रखें और वह सीधे पल्सर तारे की तरह घूमने लग जाए, वह वस्तु अपने अंदर मौजूद मास से ही घूमेगी ना। गैलेक्सी में भी इतना मास नहीं है कि यह इतनी तेज और सभी तारों को इतनी दूरी पर भी अपने पास रख सकती है।
अगर डार्क मैटर नहीं होता तो गैलेक्सी कभी बन ही नहीं पाती। बाहरी दबाव यानी डार्क मैटर ने पूरी गैलेक्सी को बनाए रखा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर गैर बेरोनिक है। यह इंगित करता है कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सामान्य कण शामिल नहीं है जो परमाणु बनाते हैं। इसके बजाय यह अनुमान लगाया गया है कि इसमें ऐसे अजीबोगरीब कण शामिल है जिन्हें अभी तक प्रत्यक्ष रूप से देखा या पहचाना नहीं जा सका है। ये कण प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन नहीं करते हैं, इसलिए डार्क पदार्थ कहा जाता है। हमारे इस ब्रह्मांड की लंबाई और चौड़ाई को बनाए रखने में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज भले ही हम इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ भविष्य भी ऐसी कई संभावनाओं को लेकर खड़ा है जिसके बल पर यह कहा जा सकता है कि आगे आने वाले वक्तों में इन दोनों रहस्यमयी पदार्थों के विषय में काफी कुछ जाना जा सकेगा। हमारी सभ्यता और तकनीक का जिस गति से निरंतर विकास हो रहा है उसके आधार पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारी उत्सुकता की आंखें एक दिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य से भी पर्दा उठा देगी। शायद उस समय कई और अनभिज्ञ अनजाने रहस्य भी हमारी आंखों के सामने आएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड और उसके भीतर के छुपे रहस्य असीमित हैं। वही इंसानों के भीतर की प्रबल आकांक्षा भी उसी को जानने की है। साथियों, डार्क मैटर पर आपका कोई विचार है तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं फिर। जय हिंद।